वेलकम टू NMIC. ये हिंदुस्तान में ओनली सिनेमा दर्जन है इस स्केल का, इस लेवल का और जितना इसमें कॉन्टेंट है. तो NMIC में सर मैम हम लोग 100 साल हिंदुस्तानी सिनेमा के स्वर्णिम 100 साल उनको हमने कैप्चर किया है. तो एकदम लेटेस्ट कंटेंट हमारे पास थोड़ा कम है क्योंकि हमने एकदम शुरुआत से, जब कहते हैं ना शुरू से शुरू जहाँ से हुआ वहाँ से लिया है. तो सिनेमा को आप मूविंग इमेजेस बोलते हैं, ये उसका जन्म है सिनेमा का. स्टिल्स को कैसे एक तरीके से अच्छा. एक पैटर्न में एक स्पीड पे आप लगा के रन करते हैं तो वो सिनेमा कहलाता है. और लोगों को इल्यूजन होता है कि एक्चुअली वो घोड़ा भाग रहा है, बट वो घोड़ा स्टिल है. दैट्स एक्चुअली अ स्टिल पिक्चर. सो दिस इज द बर्थ ऑफ सिनेमा सर. इस इनको कॉमन लैंग्वेज में ऑप्टिकल टॉयज कहते हैं. आंखों को इल्यूजन एक क्रिएट करते हैं ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे लगे हैं. इसको प्रेक्सिनोस्कोप कहते हैं. लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाने शुरू किया कि चित्र को, इमेज को कैसे वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पूरी फिल्म फॉर्मेट. सो दैट इज अ जेनेसिस सर. ये हमारा ट्रेडिशनल, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है. जब सिनेमा नहीं था, जब चित्र नहीं थे, तब लोग पेंटिंग किया करते थे. तब लोग शैडो, परछाई का इस्तेमाल करके कहानियाँ सुनाया करते थे. कठपुतलियों का इस्तेमाल करके कहानियाँ सुनाया करते थे. तो और उसी में लोग बहुत मग्न हो जाते थे, अपने आप को इमेजिन करने लगते थे कि हम उस कहानी का हिस्सा हैं, उसका हम एक पात्र हैं. तो दिस वॉज वे बिफोर वॉट वी सी टूडे इन द सिनेमा थिएटर्स. जबकि उसमें मुझे लगता है ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है. पॉपकॉर्न भी और पेप्सी भी और सब कुछ चलता है साथ में. तो ये सब बंद हो गया कोरोना के बाद, ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं. सो दिस इज नॉट ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग. अगर हम देखें तो ये हिंदुस्तानी सिनेमा की एकदम जहाँ बीच पड़े वो इस आर्ट फॉर्म में पड़े. तो सारी फोक स्टोरीज हमारी, सारा हमारा इनटैंजिबल हेरिटेज जो है वो इन्हीं मीडियम के थ्रू आज तक भी इंटैक्ट है. दिस इज व्हाट यू कॉल अ मैजिक लाल थिंग. अनुजा वुड यू ऑपरेट इट. इसको सर मैजिक लालटेन कहते हैं. बेसिकली स्लाइड प्रोजेक्शन है. जो आजकल तो हम लोग डिजिटल प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं, उससे पहले हम वो बल्ब में लाइट में स्लाइड्स लगा के पॉलिथीन उसकी प्लास्टिक की प्रेजेंटेशन करते थे सर, ये वो. बट यहीं से जो है लोग इसको इस्तेमाल करके लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते थे. विदेशों में आज की तारीख में भी पूरी कहानियाँ होती हैं जिसमें जीसस का पूरा जन्म दिखाते हैं, कैसे हुए, मदर मेरी. हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छे हैं स्टोरी टेलर, वो पूरा कृष्ण जी के जन्म की पूरी कहानी सुनाते हैं मैजिक लालटेन के थ्रू. उनकी स्लाइड्स वैसे ही बनी हुई. तो दिस इज रेयर सर, इसकी स्लाइड्स भी कम मिलती हैं. अब बड़ा मुश्किल है ढूंढना इनकी स्लाइड्स. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द मैजिक लालटेन सर. सर ये बच्चे हैं हमारे साथ, हमारे काफ़ी अच्छे होनहार बच्चे हैं, अनुजा एंड हिमाद्री. दे आर बोथ वेरी पैशनेट अबाउट सिनेमा. दे आर मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड आर्ट्स एंड दे यूजली यू नो काइंड ऑफ टेक आर पीपल अराउंड. सो आई वुड अलाउ देम टू ऐड इन वेर एवर दे कैन. सर ये वो सब महारथी लोग हैं जिन्होंने सिनेमा को सच्चाई बनाया. बल्ब बनाने वाले, रील को बनाने वाले, ये इसका भी एक पूरा ये जो याद किया, यू नो इट वॉज इन इट सेल्फ अ क्रिएशन एंड इन्वेंशन. All of that came together और अंत में आके लुमे ब्रदर्स ने सिनेमा को जैसा कि हम आज देखते हैं वैसा रूप दिया. सो देवर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा इज कम्प्लीटली अनमैच बिकॉज देवर द वंस हु क्रिएटेड द फर्स्ट फिल्म्स सो एज टू से. और ये कैसी फिल्में बनाते थे, ये वैसी फिल्में बनाते थे. रोज़मर्रा की जो इवेंट्स होती हैं ना उनको उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया. क्योंकि पहले तो इतना नहीं सोचा ना किसी ने कि हम कोई साहित्य से निकाल के कोई कहानी कर लें या हम कोई कहानी लिखें उसका हम डिज़ाइन बनाए सेट बनाए. तो उन्होंने रोज़मर्रा की चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू की कि मिल में से वर्कर्स निकल कर आ रहे हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कोई गार्डनिंग में काम, कोई गार्डनिंग कर रहा है गार्डन में. तो उन्होंने वो छोटे छोटे रोज़मर्रा की चीज़ों को रिकॉर्ड करके फिल्में बनानी शुरू की. वेरी वेरी शॉर्ट क्लिपिंग्स
एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ सिनेमाटोग्राफ. ये उन्हीं का इजाद किया हुआ मशीन है, विच इज़ अ 3-in-1 मशीन. इसमें तीन काम एक साथ होते थे, शूट करना, उसको कनेक्ट करना और उसको प्रोसेस करना. तो दिस इज व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. लूमे ब्रदर्स की बात करें तो मतलब सिनेमा मतलब दुनिया भर में लोग कहते हैं कि लूमे ब्रदर्स ने उसको बनाया. सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैडम इसका वो है, एनेक्डोट है. बोलते हैं कि जब ट्रेन वाला वीडियो चला था जिसमें कि ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पर से, तो लोग देखे तो लोग डर के भागने लगे क्योंकि आदत नहीं थी ना किसी को कि ऐसे सामने से देखी, मुझे लगा सच में ट्रेन आ रही है हमारे ऊपर, तो लोग उठ के भागने लगे थे. मतलब फ्रॉम दैट एज ऑफ इनोसेंस टू वेयर वी कम टुडे, क्योंकि आप 4D, 7D एंड ऑल दिस सी रहे हैं, जैसे कि वाटर स्प्लैशेस भी आते हैं आपके ऊपर, आपकी चेयर भी मिलती है, आप सभी कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं. सो आई वुड एक्चुअली कॉल इट द एज ऑफ इनोसेंस व्हेन सिनेमा वाज वेरी वेरी इनोसेंट. ये जो लोग सिमिलर ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसमें सिमिलर का झांकने का तो आपको इमेज दिखेगी जो विच जस्ट गोज अराउंड लाइक दैट. सर एक बहुत ही अमेजिंग बात ये है कि हिंदुस्तान में सिनेमा लगभग उसी समय में आया जब वो विश्व में आया. उसके कुछ ही सालों के भीतर हिंदुस्तान में सिनेमा आया और बाय एक्सीडेंट आया, बाय डिज़ाइन नहीं आया. मैरियस सेस्टर करके ये इनके लूमे ब्रदर्स के कोई असिस्टेंट थे, इनके टेक्नीशियन थे. ये कुछ फिल्में लेके फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इन्होंने एक अनप्लान स्टॉप किया बॉम्बे क्वींस नेकलेस पे. यहाँ रुके फ्रॉम वेयर ही वाज गोइंग टू, ही वाज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू ऑस्ट्रेलिया सर. ओके ओके. सो इनका प्लान नहीं था बॉम्बे में रुकने का, बट कुछ खराबी हुई या जो भी इनका इमरजेंसी उस समय हुआ होगा, दे स्टॉप्ड एट बॉम्बे एंड ही वाज स्टेइंग एट होटल वॉटसन. इट्स अ प्रीटी ओल्ड होटल सर, इट्स अंडर रेनोवेशन राइट नाउ. इट इज़ राइट ऑपोजिट काला घोड़ा बॉम्बे में, फोर्ट एरिया में. ये वहाँ पे रुके, इन्होंने वहाँ पहली बार सिनेमा लगाया और जब उन्होंने लोगों का रिस्पॉन्स देखा कि अरे यहाँ पे तो मतलब देयर टू मेनी टेकर्स फॉर दिस, सब वहाँ से 1896 ही एक्चुअली केम एंड दैट इज व्हेन ही प्रोजेक्टेड द फर्स्ट सिनेमा देयर. तब से द जर्नी स्टार्टेड. सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टिकट्स, पोस्टर्स, वट एवर यू वुड कॉल इट. एक रुपये में, उस टाइम में 1 रुपये भी बहुत होते थे. लेकिन बिग थिंग दैट टाइम कितने आने होते होंगे उसमें पता नहीं, मतलब आई डोंट इवन नो द कैलकुलेशन. सो तो सर ये उस समय का है. तो हिंदुस्तान में तभी से बस सिनेमा शुरू हो गया. और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि सिनेमा आया बॉम्बे में, लेकिन जब सिनेमा इतनी जल्दी बढ़ा और पूरे देश में सिनेमा बहुत जल्दी, मतलब काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स साउथ से, काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स बंगाल से, काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स. सो कहने को बॉम्बे है सपनों की नगरी, फिल्मों का गढ़, लेकिन हिंदुस्तान में सिनेमा जितना आप कह सकते हैं कि हर रीजन में मतलब रग रग में भरा हुआ. और जब आया तभी से जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी, जब हमारी टॉकीज शुरू हुई पहले तो साइलेंट था, तब भी पूरे इंडिया में बहुत सारे फिल्म मेकर्स थे जो फिल्मों मतलब इतने टेकर्स थे. हम लोग शुरू से फिल्मी कीड़ा मतलब हम लोग के पास था. कहने का मतलब ये है दीज आर ऑल अर्लियर पायनियर्स ऑफ इंडियन सिनेमा जिन्होंने बहुत सारा अर्ली मूवमेंट्स किए, सिनेमा के ऊपर काम किया, फिल्में बनाई, लोगों को दिखाएं. So each of these gentlemen, if you look at it, Mr. Sen would have been of course from Bengal, Bhatpadekar would have been from Maharashtra, Madans are usually supposed to be North Indians, Punjabis basically. Mr. Bose would have been from Bangalore. S. Vincent, I think, was from the south side of the country. And Mr. Naidu, again, would be from the South India. So, that kind of goes on to show you ki chaisi cinema aaya, sab logon ne, Hindustaniyon ne jaldi se ekdam kood pade uske upar. Asal pehle cinema theaters nahi hote the, to khule mein tambu laga laga ke logon ko filmein bhi dekh jaate the.
झूले में हाँ हाँ प्रोजेक्टर लगा के तो वैसे ही करते थे। फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, एक डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को आप सिनेमा दिखाएंगे, और वैसे सिनेमा थिएटर्स का जन्म हुआ। तो ये सब कुछ सिनेमा थिएटर्स हैं। इनमें से कुछ आज जिंदा है मैम, काफ़ी कुछ रेनोवेट हो गए हैं, कुछ ख़त्म हो गए हैं। दिल्ली का कोई नहीं? दिल्ली का नॉट हियर, इवन तो दिल्ली में है काफ़ी, दिल्ली में है काफ़ी पुराने, बट रीगल वगैरह, रीगल काफ़ी पुराना है। हाँ, बट दीज आर सपोज टू बी इवन ओल्डर। अच्छा, ओल्डर देन। हाँ, मतलब एकदम सबसे पहले जो बिल्डिंग्स को इन्होंने यूज करके डेडिकेटेड स्पेसेस बनाए होंगे ये वो है। तो सारे सिनेमा टूटते जा रहे हैं, पीपल आर मेकिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ दैट। सर टीवी पे देखती है, यहाँ से मल्टीप्लेक्स आए, अब मल्टीप्लेक्स भी बेचारे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से धंधा पानी चला है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम काफ़ी है। कोविड ने और ख़त्म कर दिया इसको भी। सर म्यूटोस्कोप बोलते हैं, ये मशीन अंडर रिपेयर है सर, बट आई टेल यू, इसमें बेसिकली फोटोग्राफ्स हैं और जब आप इसको टर्न करेंगे, एक किताब होती है, बन चुका है, अलग अलग फोटोग्राफ्स होते हैं, जब आप इसको टर्न करेंगे इसमें कॉइन डाल के तो वो मूव करती है, तो आपको लगेगा कि करीना एक्चुअली डांस कर रही है। सो इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्टिल्स, बट द वे दे मूव यू सी करीना डांसिंग, सो थ्रू दिस यू कैन सी, इट्स जस्ट अ internationally. वगैरह करके भी
मतलब लोगों ने खूब देखी, खूब चली, और दादा साहब आके तो उनको कहा ही जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इस किस्म के कैमरे पे वो काम करते थे। उनकी फिल्मों के स्टिल्स में भी आप देख सकते हैं कि सारे मैन हैं एक्चुअली, विग लगा के औरतों के पेश में, क्योंकि औरतें नहीं होती थी। It's actually pretty hilarious. Yeah. You know, you would see these really beautiful looking men with long hair in a pool. बड़ा सुंदर सा एक वो बना हुआ है स्विमिंग पूल, उसमें आप देखेंगे उनको। But it was remarkable. और आज की टाइटल में, आज के टाइम में सब टाइटल्स होते हैं, पहले ऐसे कार्ड्स आते थे, तो क्योंकि साइलेंट था तो नॉट लिविंग मच टू पीपल्स इमेजिनेशन। हर सीन के बाद इस किस्म से कार्ड आते जो कि उनको जिस बता रहे थे प्रवीण जो गया है क्या हुआ। ड्यूरेशन ऑफ दैट मूवी इसकी ये करीब रही होगी फुल पौने दो दो घंटे की। और अब कितना फुटेज बताए पौने दो घंटे की फिल्म रही होगी। हाँ मतलब अराउंड सर लूज हमने जो किया है बचा हमारे पास 45-50 मिनट है। ओरिजिनली आई थिंक सम 1 hour 40 मिनट समथिंग द फिल्म ड्यूरेशन वाज। We went to the National Film Archives, Pune. अच्छा आप लोग वहाँ होकर आए। अच्छा अच्छा। ये पूरा टॉकी रहा है, साइलेंस टॉकी रहा है। यहाँ से ये कैटलॉग है मैंने इधर चुना, या हम लोग अपने स्पॉट ये देखते हैं। और ये पहले के सब कम ही होते हैं, तो मतलब कि अब पहले आपकी वीडियो आ जाती है, फिर आवाज़ की चीज़ आती है, तो दो दिन से कहते हैं। तो जो भी टेक्निकल ग्लिचेस होते थे ना, तो उसको कम करने के लिए ये सब साउंड रेंडरिंग टेक्निक्स आते थे। फोनो फिल्म है, विटाफोन है, मूवी टोन, सिने टोन। तो आप जब उनका पोस्टर भी देखोगे ना, मूवी के पोस्टर, तो जितने भी स्टूडियोज हैं वो बताते थे कि हम कौन सी टेक्निक यूज करके मूवी बना रहे हैं, तो विच विल मिनिमाइज द होल ऑल सच ग्लिचेस। और प्लस आपका ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजेशन भी हो जाता है उसमें, मतलब जो आप लिप सिंक करते हैं तो उसके साथ जो आपका रिकॉर्डिंग आ गया ना उतना ही आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका वीडियो आ गया डायरेक्ट से आवाज़ आई, तो वो सब अवॉइड करता था। ये जितने भी टेक्निक्स आए Which year? 1931. 31. 13 and 31. 31. Okay. 13 and 31. Right. How you can remember? इसका saddest part है कि वो print available नहीं है। किसका? हाँ। अलग मारा था। Completely lost. अभी तक तो वो destroy भी हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र का बच्चा। वो है। इसका? इसकी चली गई। More और people didn't know about it. उसमें वो बेसिकली बताते थे कि रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे वो लोग ओल्ड टाइम पे करते थे। ओके। उनका वो सेट रहेगा जहाँ वो एक्टिंग करेंगे, और सामने पूरा म्यूजिशियन लोग बैठे थे, मतलब सिंक पे जाने लगे थे, ऑटोमेटिकली पे जाने लगे। कुछ ही साल में बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर आ जाते हैं, वो सिंगिंग सुपरस्टार्स बन जाते हैं।
जैसे कि के एल सहगल, कानन देवी, नूर जहान, ये एक्टिंग भी करते थे लेकिन इन्हें इनके गाने गानों के लिए जाना गया। तो फिर तब से गाने शुरू होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सिनेमा में आने लगता है या फिर लेंड किया एक दूसरे को और वहाँ से फिर उन्होंने टॉकीज लाना चालू कर दिया। जो बड़े स्टूडियोज थे ना वो बाइलिंगुअल फिल्म्स बनाते थे, मतलब मराठी, हिंदी या तमिल और हिंदी, एक ही एक ही फिल्म दो दो भाषा में रिलीज करता। आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं सर कैसे एकदम रैपिडली बढ़ते गया तेरह में पहली म्यूट मूवी बनी है, 31 में उसी का उल्टा कर दो, 31 में ये पहली वॉइस आलम मारा और फिर ये प्लेबैक इनका 35 में आया। व्हाट द फर्स्ट सिंगर पंकज मलि, पंकज मलि व्हिच वन द मूवी भाग्य चक्र, भाग्य चक्र, भाग्य चक्र, ये भाग्य चक्र का उसी फिल्म को इसी साल हिंदी में भी बनाया गया था धूप छांव नाम से। जो एक्टर्स जो हिंदी बात नहीं कर सकते तो अगर नए एक्टर्स लेने तो शूटिंग अलग से होती थी और जो एक्टर्स दोनों भाषा में बात कर सकते वो अपने सीन्स को दोनों भाषा में रिकॉर्ड करते। यहाँ पे लोग सर बड़ा एंजॉय करते हैं सब, इसमें एक्चुअली सर आप ना फैसले कर सकते हैं तो उसमें सॉन्ग्स आते हैं, लिरिक्स आते हैं और आप पहले एक बार प्रीव्यू देख लें और फिर उसके साथ अगली बार जो है वो केवल वीडियो चलेगा और आप गाना गाएंगे। जब आप रिप्ले करेंगे तो दिलीप कुमार के गाने में मतलब आपकी आवाज़ आएगी। सो लॉट ऑफ पीपल एंजॉय अबाउट एक्चुअली डूइंग दिस। व्हाई डू यू डू दिस एक्चुअली? कभी देखिए इनको भी गाना नहीं आता था सो ये बस लिपसिंक कर आवाज़। नाउ लेट एवरीबॉडी सिंग एंड रिकॉर्ड। सिंग। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। बस आपका टाइमिंग सही होना चाहिए कट कर। आज मैंने प्लेबैक नहीं दिया, यूजुअली दिलीप कुमार का प्लेबैक नहीं दिया मैंने डेमो में। स्पेशल
सेंसिटाइज लोग होते थे, एक एक फिल्मों के अलग अलग किस्म के पोस्टर्स बनाया करते थे। एम एफ हुसैन यहीं से शुरू हो के लेजेंड बने, वो फिल्मों के पोस्टर ही पेंट किया करते थे। और फिर वहाँ से दिस इज फर्स्ट मराठी फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म, फीचर फिल्म और सबसे पहले टॉक्स टॉक्स मराठी टॉक्स। आजकल हम लोग ने टर्म दे दिया बॉक्स ऑफिस हिट फेमस फिल्म सारे वो टाइम के जितने भी फेमस फिल्म थे उनके हम लोग ने यहाँ पे ईयर वाइज पोस्टर्स लगा दिए
सलीम लगड़े पे मत रो प्रोजेक्ट मूवी ये सर फ्रांस में शूट होने वाली शायद पहली हिंदुस्तानी फिल्म पड़ोसन 68 तो आइकॉनिक उस जमाने में संगम को लोग बताते हैं बहुत ही वो माना गया था कि बड़ा बोल्ड सीन्स और ये बहुत आगे की पिक्चर राज कपूर ही बना सकते थे किसी और को तो वही करते थे ये काम पड़ोसी में कितनी साफ सुथरी कॉमेडी है लोग मतलब एक्चुअली वो अभी भी देख के हंसी आती है कितना इनोसेंटली इतना अच्छा कॉमेडी कर सकते हैं इनोसेंट कॉमेडी वेरी सिनेमा घर में भी इसी तरह का चलती थी रील डिब्बे में आती थी हाँ और उसे भागते चलते थे एक से दूसरे थिएटर पे वो लेके और रील्स लेके फोनी कैमरा सो ये आप वायरलेस या फिर जूमिंग जूम ऑफ वाले जो रहते हैं सॉरी जूम इन वाले जो रहते हैं ना जैसे आप वाइट फोटोग्राफी करते हो तो सोलर लाइट उस समय थी और ये बहुत हाई इंटेंसिटी वाले लाइट्स होते थे जब स्टूडियोज में वगैरह ज़्यादा यूज करते थे बट सोलर देयर लेकिन सोलर उनके टाइप्स है और ये इंटरैक्टिव एक बेसिकली मूवी पोस्टर्स है इनको आप ऐसे स्वाइप कर सकते हैं और इनको आप ऐसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप विजिबिलिटी के हिसाब से आप देखें चला गया बहुत सेंसिटिव है बहुत ये बड़ा इसको बात स्वाइप कीजिए सर इसमें और भी आते हैं ना आप स्वाइप तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स तो काफ़ी आते हैं यहाँ पे काफ़ी हैं स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशली हाँ सिनेमा मास मीडिया के मास मीडिया के बहुत ज़्यादा आते हैं तो ग्रामीण फिलहाल है ग्रामीण तो उसका
डिफरेंट लुक लाइक या